अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत मंगलवार को भी अग्निशमन विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। आपको बताते चले, अग्निशमन विभाग द्वारा 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता को लेकर खेलों के माध्यम से एवं योग शिविरों, फायर सेफ्टी रन जैसे कार्यक्रमों के द्वारा जनमानस को जन जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार 18 अप्रैल को भी अग्निशमन विभाग का कार्यक्रम जारी रहा, जिसमें अग्निशमन सेवा के दौरान अग्निशमन विभाग द्वारा मुरादाबाद में पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एजेंसी के संचालकों के साथ सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित कर IOCL के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पर आग की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी तथा SOP को फॉलो करने की अपील भी की गई। ये 14 अप्रैल के दिन हर साल पूरे भारतवर्ष में अग्नि सप्ताह स्टार्ट होता है और 14 अप्रैल के दिन अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि इस तरह की अग्निकांड ना हो, उसकी रोकथाम हो, और अग्निकांड हो जाए तो हमें तैयार हालत में रहना चाहिए। और जैसा कि आप लोग LPG और पेट्रोल डीजल केरोसिन हैंडल करते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फायर सेफ, क्योंकि ये ऐसे ज्वलनशील पदार्थ है, इनकी हैंडलिंग अगर आप सुरक्षित तरीके से नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे, आपके जितने भी स्टाफ हैं उनको ट्रेन नहीं करेंगे, तो छोटी सी लापरवाही उसमें बड़ी दुर्घटना कारण बन जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ पाइप इधर उधर हुआ और वो पाइप बाहर निकल गया टैंक से, तो क्या होगा, पूरा ऑयल स्पिलेज हो जाएगा, पूरा खतरा बढ़ जाएगा। तो कैम लॉक कपलिंग का काम है, एक तो इसको सिक्योर करता है, दूसरा उसको टाइट कर देता है, यानी कि उसमें कहीं से बाहर उसकी वेपर नहीं आती, वो सीधा टैंक में जाता है, वेपर फ्री हो जाता है। दूसरा, उस पाइप में भी एक अर्थिंग का वायर होता है ना, कंटिन्यूटी बननी है टैंक से और बॉडी में कनेक्शन करने के लिए, उसके अंदर उसके ऊपर भी एक वायर होता है, तो वो भी ठीक होना चाहिए, कई बार क्या होता है। वहीं इंडियन ऑयल के डिविजनल हेड रिटेल सेल्स उपांश कुमार, सेल्स ऑफिसर हरीश वाश ने LPG एरिया ऑफिसर के द्वारा सभी को दैनिक कार्यों में सुरक्षा को व्यवहार में लाने और अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों की जानकारी दी गई। क्योंकि हम लोग ये 365 दिन सेफ्टी अवेयरनेस जो है वो अपने आप को भी जागरूक करते हैं, अपने पंप जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो पंप का स्टाफ होता है, जो हमारे डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो LPG डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये हमारे लोग की एक साइकिल चलती रहती है। लेकिन आज अगर ये CFO साहब ने एक पहल ली है और ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है सेफ्टी अवेयरनेस वीक, तो आप सब समझ गए होंगे कि भाई कितना गंभीर विषय है ये, कितना इम्पोर्टेंट। आपको बताते चलें, सोमवार को अग्निशमन विभाग द्वारा ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी कार्यशाला फायर ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं ऊंची इमारतों में आपातकालीन अभ्यास मुरादाबाद कांट रोड स्थित अमलतास और दिल्ली रोड स्थित 40 डिग्री हाई राइज बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार चौधरी द्वारा अग्निशमन अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा के साथ बिल्डिंग के सभी निवासियों को एकत्रित कर आग की रोकथाम के उपाय बताए गए थे। मंगलवार को भी अग्निशमन विभाग द्वारा अपने इस अभियान को जारी रखा गया और जनमानस को जन जागरूक किया गया। जिला अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि जरूरी है हम सुरक्षा को ध्यान में रखें, दैवीय आपदा के साथ साथ शॉर्ट सर्किट से भी आग जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, इसीलिए कमर्शियल भूखंडों पर आग बुझाने के यंत्र एवं जरूरी सुरक्षा के तरीके अंकित किए जाएं ताकि कोई अनहोनी घटना न हो सके। अगर कोई घटना हो जाती है तो इस घटना पर किस तरह से रोक लगे, इस बिंदु पर भी सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। अग्नि सुरक्षा पर उनके द्वारा सभी से अपील की गई कि रास्तों पर बड़े भवन न बनाए जाएं, कारखानों में रक्षा यंत्रों का ध्यान रखा जाए और ज्वलनशील पदार्थों की कारखाने आदि भीड़भाड़ इलाके से जाएं। लेकिन उसकी वजह से जो आसपास आग लगी हुई है, कपड़ों में लगी, बेड में लगी, किसी सामान में लगी आग, है ना, कबड़ में आग लगी, इस तरह की चीजों में आग लगी, तो उनको बुझाते रहना है, वो जो जल रही है उसको जलते रहने देना है। फायर ब्रिगेड को देंगे तो धुआं बहुत सारा है, आप अंदर सोए रहे थे, आपको पता नहीं चला और बाहर आग लगी, जब पता लगा आपने खिड़की खोली, देखा बाहर तो आग है, गेट खोला बाहर आग है, धुआं है, तो आप अगर उससे निकलेंगे तो आप खतरा हो सकता है। तो ऐसे केस में आप शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगती है वो 80% है, अगर हम उसको लापरवाही को बंद कर दें, उसमें सावधानी बरतें, तो हम उन 80% आग को रोक करके एक बहुत बड़ी घटनाओं पर हम अंकुश लगा सकते हैं और इतने लोगों की जान बचा सकते हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं, सामने बैनर लगा हुआ है, उस पर देखें आप, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। बिजली के कारण आग को कैसे रोका जाए, तो सबसे पहले में आग को रोकना आना चाहिए, कहीं आग लगे ही ना, कैसे न? बिजली के किसी भी खराब उपकरण, स्विच बोर्ड।
इसके अलावा जनपद मुरादाबाद में विभिन्न स्थानों पर विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग किया।